हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी ये व्लॉग है नौमी वाले दिन का तो आज कन्या पूजन होगी हमारे यहाँ नौमी होती है अब मैं उठ के आई थी लगभग छः बजे क्योंकि कल रात एडिटिंग में काफ़ी लेट हो गया था और कोई प्रेशर नहीं है अगर स्कूल होता तो एमरजेंसी रहती है जल्दी उठने की छः बजे उठी थी और अब सवा छः बजे फाइनली मैं काम में लग गई हूँ सबसे पहले सफाई करूँगी और इधर सफ़ाई जब मैं कर रही थी ना तो तभी जब बच्चों का कमरा खोल के उन्हें उठा दिया था क्योंकि एक दो जगह से जैसे कन्या के लिए उनका निमंत्रण आया था तो वो नहा के रेडी हो जाए इतने मेरी सफ़ाई निपटेगी इतने उनका नहाना निपट जाएगा तो मैंने पूरे घर में लगाई झाड़ू लॉन पे झाड़ू मार के यहाँ पर डस्टिंग कर दी अब डाल रही हूँ पानी बाहर थोड़ा सा भी पानी डल जाए और एक पॉजिटिविटी सी आती है और जब आपके घर के एंट्रेंस क्लीन हो जाती है तो एक अलग ही मतलब एक बनता है कि हाँ सफाई हो गई अब अंदर आके मैंने पोछे के लिए पानी जो है वो घोल लिया इसमें झाग क्यों आ रहे हैं इसमें मैंने डाला थोड़ा सा डिटर्जेंट -डि तो कई बार हम लोग जैसे लाइजोल है या फिनाइल है ये सब यूज़ करते हैं डिस के लिए लेकिन जैसे कई बार चिकने के दाग लग जाते हैं और आपके फर्श पे आप देखो कि पोछा लगाते टाइम उस पर पूरा एक लेयर पानी की ना दिख के बीच बीच में से चिकना चिकना सा हो जाता है ना वो अगर बीच में आप कभी कभी सर्फ डाल लें थोड़ा सा पानी में तो उससे जो है आपका क्लीन हो जाएगा वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल अच्छे से जो है फ़र्श साफ हो जाता है तो मैंने आज इसमें सर्फ डाला है और इसके बाद मैं इसमें सारे घर में पोछा मार दूँगी हफ्ते में एक बार आप थोड़ा सा नमक डाल के कर सकते हैं उसे भी नेगेटिविटी के लिए मैंने बहुत जगह देखा है वास्तु के हिसाब से तो इस तरीके से पोछे का पानी रहता है फिनाइल या फिर सर्फ या फिर नमक अब मैं नहाने जा रही हूँ तो नहा के आने के बाद अब सीधे जो है भोग बनाऊँगी तो यहाँ जो भी रात के बर्तन रखे हैं पहले मुझे उसे टोकरे में से निकाल के सारे जो हैं, वो ड्रॉर में शिफ्ट करने पड़ेंगे उसके बाद ही आज का काम शुरू कर पाऊँगी और जो अभी खाने में बर्तन मुझे यूज़ करने हैं कढ़ाई वगैरह वो सब बाहर ही रख दिए तो मैंने लोहे वाली कढ़ाई निकाली है पूड़ियों के लिए और स्टील वाली कढ़ाई निकाली है सूजी के हलवे के लिए रात में चने भिगो के रख दिए थे तो वो भीग चुके हैं आप सूजी के हलवे की जो क्वान्टिटीटी कहिए या रेसिपी कही है, बिल्कुल सिंपल है लेकिन जब तक मैंने भी कई बार नहीं बना लिया था तो कई बार ढीला हो जाता था या कभी कुछ कम कभी ज़्यादा तो अगर आप परफेक्ट रेशों की बात करें तो अगर आपने एक कटोरी सूजी ली है तो साढ़े तीन कटोरी के करीब डालिए पानी या फिर चार कटोरी ठीक है और इसमें दो कटोरी के करीब डाल दीजिए मीठा जितनी सूजी है उतने उससे डबल तो आपका जो मीठा है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और फीका भी नहीं लगेगा एक दो इलायची डाल दीजिए या इलायची का पाउडर जब सब पानी अच्छे से बॉईल होने लगे तो उसमें सूजी मिला देंगे अब इसको चलाते रहना है तो इसमें खदके मारता है उस टाइम पे आप हाथ में कपड़ा वगैरह लपेट लें अब जब तक हलवा इस स्टेज पे आया था ना तो मेरे हस्बैंड भी नहा के आ गए थे तो वो आ गए हैं किचन में मेरी हेल्प कराने के लिए और बराबर में नेहा के यहाँ बच्चे जो हैं वो चले गए हैं क्योंकि उनका भी पंद्रह एक मिनट पहले खाना जो है वो रेडी हो चुका तो यह है कि एक जगह का काम निपट जाएगा इतने तो इतने वहाँ पर कन्या निपटेंगी इतने मेरा खाना यहाँ पर बन जाएगा फिर सीधे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे अगर सब कुछ ठीक गया तो वरना हर बार ये होता है कि खाना मेरा बन जाता है और उसके बाद फिर मुझे वेट करना पड़ता है क्योंकि बच्चे जहाँ भी होते हैं अक्सर मेरी लड़कियाँ तो वापस आ जाती हैं लेकिन वहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ दूसरी जगह चले जाते हैं तो कई बार मतलब मैं या तो जो मेड आती हैं उनके बच्चों को दे देती हूँ या फिर जो भी उस टाइम अवेलेबल होता है तो फिर मुझे इंतज़ार देख के मतलब दस साढ़े दस कई बार बच जाते हैं खाना सुबह सात साढ़े सात बनने के बावजूद भी तो ये होता है अब कई घरों में क्या है कि लड़कियाँ होती हैं वो ले आती हैं कन्याओं को घेर के कि जहाँ पर वो खा रही हैं वहाँ पर वो बैठी रहती हैं या घर के जो आदमी हैं वो चले जाते हैं मेरे हस्बैंड ये वाला काम नहीं कर सकते वो कहीं पे जाके बच्चों को घेर के ला नहीं सकते तो बस मैं कह ही सकती हूँ उतने में आ जाए तो अच्छा अब मैंने सब बिछा दिया था खाना बन चुका है तो नेहा के यहाँ से फिर सीधे बच्चे मेरे यहाँ आ गए इवन मैं मतलब माता को तैयार ही कर पाई थी माता रानी को मेरी पूजा भी नहीं हुई थी कंडी मैंने रखी थी हवन के लिए और तभी सारे बच्चे आ गए थे तो मैंने इन्हें बिठा के पूजा जो है वो इनके सामने करी है और उसके बाद फिर इनके सबके मैं धुला रही हूँ चरण तो छोटी छोटी लड़कियाँ आज मिल गई थी सारी जितनी मैं जिमाती हूँ तो आज मैंने आरोही आराध्या को मतलब यहाँ पर नहीं बैठाया क्योंकि आ, अपने घर की लड़कियाँ वही वाली बात है कि अगर कहीं इमरजेंसी है और आपको मिल ही नहीं रही तो लेकिन अगर आपको बहुत छोटी और अलग कन्याएं अपने घर से बाहर की मिल जाती हैं तो मतलब उन्हें आप चूज़ करिए ज़्यादा ये जो हमारे यहाँ होता है मैं आपको वो बता रही हूँ बाकी सबका अपना अपना हिसाब है तो फिर अब ये जो है अब वैसे बड़ी दिखने लगी हैं लेकिन अभी कन्या में बैठने लायक हैं तो एक दो जगह से इनका निमंत्रण आया भी था लेकिन अब इनका खुद ही मन नहीं करता ज़्यादा कि कन्या वगैरह का तो खुद ही कह रही थी कि हमें नहीं जाना है और जगह लेकिन ये है कि अभी तो माता रानी ने बचा रखा है अभी जा सकती हैं आराम से तो अब मैंने जो है जो खाना था पूड़ी और हलवा चने बताशे और इतने मैं यहाँ पर बच्चों को परोस रही थी इतने जो पूजा का नारियल है वो हटा दिया था तो वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो उसको छील के पीसीज में करके ला रहे हैं तो सब लोग लगे हुए हैं एक अच्छी सी रौनक सी लग गई थी क्योंकि छोटी लड़कियाँ थी तो इनके साथ देखभाल करने वाले भी आ गए थे एक एक के साथ एक एक और प्रियंका और हस्बैंड उसके आ गए थे तो उनकी रिद्धि का यह है कि अगर ये नहीं भी आते तो हम उनका निकालते हैं हमेशा रिद्धि का और जब से वो आई है और उसके घर हम दे के आते अगर वो नहीं भी आती तो वो सुबह आ गई थी तो नेहा के यहाँ भी उन्होंने खा लिया और यहाँ पर भी अब इस तरीके से राजी खुशी सारा जो है भोजन निपटा कन्या पूजन निपट गया सबको दक्षिणा दे के और जो स्टील की प्लेट्स मैं हर बार लाती हूँ वो ही लाई थी तो वो सब मैंने मतलब कर दिया और ये काम हमारा सिमट गया अब कुछ बच्चे जो हैं वो एक घर से दो दो थे और छोटे थे तो मैं उनके प्लेट्स ले कर उनकी हेल्प कर रही हूँ साथ में जाने में ताकि वो सामान और बच्चों को दोनों को ले जा सकें अब ये प्रियंका और उसके हस्बैंड इनके ससुराल में दशहरे की पूजा होती है मतलब प्रॉपर कुछ रिचुअल्स होते हैं तो ये लोग बस अब कन्या पूजन के लिए यहाँ पर आए थे अब ये चले जाएंगे इनके यहाँ अष्टमी होती है अब उसके बाद जी फिर मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया व्रत खोला और जो लंच में था जो चने की सब्जी थी वो मैंने अपने हस्बैंड को बोली थी तो चने और आलू की सब्ज़ी जो है चने मतलब मैंने उबाल दिए थे सुबह लेटने से पहले और उसके बाद उन्होंने सब्जी बना दी अब दोपहर में फिर मैंने उठ के साढ़े बारह के करीब रोटी सेकी और उसके बाद से मैं लगी हुई थी एडिटिंग में करवा चौथ हॉल जो आपके पास गया कुछ रील्स एक दो और सबसे पहले मैं माता रानी की नौ दिन की नौ रीलें पूरी इंस्टाग्राम पर गई हैं वो तो ये सब एडिटिंग करते करते मुझे बज गए थे लगभग तीन तो आज गली में जो है एक जगह से कीर्तन की खबर आई हुई थी तो मुझे वहाँ जाना है इसीलिए मैं दिन में ही लेट ली थी तो अब मैं तैयार होकर वहाँ जाऊँगी लेकिन पहले मैं तैयार हो गई उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीनिंग करना शुरू किया क्योंकि मैं और नेहा साथ जाएंगे तो रेडी रहना है जितना काम हो जाएगा ठीक है मेरी वजह से किसी को लेट हो ये अच्छा नहीं लगता तो ये है कि अब मैं तैयार हूँ तो जब वो आवाज़ देंगी तो मैं साथ चल लूँगी लेकिन यह किचन वगैरह मैं क्लीन करके जा रही हूँ शाम को सिर्फ रोटी सेकनी है सब्ज़ी चने आलू की हो जाएगी फिर अब मैं निकल गई कीर्तन के लिए अरे दोनों के पर्स एक से ये देखो वैष्णो देवी की टूट हर हाँ नवरात्रे में एक ना एक जगह का कहीं ना कहीं संयोग बनी जाता है कि भजन कीर्तन का अवसर मिल जाता है माता रानी के तो ढोलक बजानी आती है तो कहीं पर भी जाके छोड़ते नहीं है तो एक दो गाने पर तो बजानी होती है तो वही मैं बजा रही हूँ सारे माता के भजन उसके बाद सारे भगवान जी के भजन और नाचना गाना गीतों पर ये सब चल रहा था और धीरे धीरे समाप्ति इस कार्यक्रम की हो गई घर आए थे तो काफ़ी देर हो गई थी और ये प्रसाद जो है वो मिला इनफैक्ट मैं थोड़ी देर पहले ही आ गई थी क्योंकि मुझे बच्चों को लेके जाना था मेला तो ये नेहा थोड़ी देर बाद आई है तब वो लेकर आई है अब बज रहे थे जी सवा छः के करीब तो आज दशहरा है ना तो हमारे घर के पास ही मेला लगता है थोड़ा बहुत छोटा सा एक दो सड़क चलो, चलो, पिछली चलो, बार मैंने अकेले ही ले गई थी बस शर्त यह है कि जैसे छः सवा छ अगर निकल जाए तो जहाँ रावण की प्रतिमा लगी हुई है पुतला लगा हुआ है वहाँ पर भी थोड़ी छीड़ रहती है बच्चे आसानी से देख सकते हैं कि हाँ रावण कैसा बना है कैसा नहीं है बहुत ज़्यादा आप देर में जाओगे तो फिर भीड़ हो जाती है फिर बच्चों के साथ अकेले मैनेज करना हो जाता है मुश्किल तो इसलिए मैं पिछली बार जब ले गई तो मुझे ठीक लगा और इस बार का ही याद था दोनों राजी थी तो मैंने ले वापस आ गई उसी तरीके से तो यहाँ पर जो है वो रावण की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई थी मेघनाथ और उनके नहीं थे कुंभकर्ण के पुतले यहाँ पर केवल एक रावण का ही था तो यहाँ पर हमने पहले पुतला देखा मतलब रावण का उसके बाद फिर हम चल दिए बाहर जहाँ पर बाजार लग रहा था तो खाने पीने का ऐसा था कि बस आरोही ने एक आइसक्रीम खाई ना मेरा मन कर रहा था और चाय वगैरह मैं पी के गई थी शाम को एक कप सिर में हल्का सा दर्द होने लगा था एक्चुअली जब वहाँ से आई थी और आराध्या ने भी कुछ नहीं खाया था तो मेन इनके था कि सुंदर सुंदर सामान जो मिलते हैं ना वो दिलवा दो तो ये खुश हो जाते हैं तो वो सब भी इनको दिलवा दिए अब मेला करके हम आ गए इसके साथ ही आज का दिन ख़त्म होगा अब डिनर करेंगे बनाऊंगी रोटी फिर खाएंगे साथ ही ब्लॉग भी खत्म कर रही हूँ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज